आप देख रहे हैं BCL न्यूज एक्सपो। आत्मनिर्भर भारत में इस समय हम प्रगति मैदान, जहाँ लग रही है 1 जनवरी 3 जनवरी से लेकर के 10 जनवरी तक आत्मनिर्भर भारत। इसके अंदर मैं आपको दिखलाऊंगा जो एरोप्लेन हम विदेशों से मंगवाते थे, अब वो भारत के अंदर ही बन रहे हैं। तो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट जो डिमांड थी, तो यहाँ भारत के अंदर बन रहे हैं, जो उस भारत की सिक्योरिटी के लिए काफ़ी बेहतर है। अब हमें मंगाने की जरूरत नहीं है, बनाने वाले हैं, हम एक्सपोर्ट भी करेंगे उस माल को। तो ये सब मैं आपको दिखलाऊंगा। यहाँ जो AK-47 जो विदेशी गन थी, अब वो हमारे यहाँ पे उसका नए नाम से बना रहे हैं, उसको भी मैं आपको दिखलाऊंगा। तो इसके अंदर सब चीज़ें आपको मैं ऐसी लेटेस्ट दिखलाऊंगा जो भारत पहले बाहर से आती थी और वो हमारे यहाँ पर ही मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। देंगे और दिखलाएंगे कि क्या क्या नया आया है। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर, अपना परिचय दीजिए। मैं प्रवीण कुमार मंडल हूँ, एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड से। तो आपने यहाँ पे कुछ ये दिखाए हुए हैं, क्या है इसके बारे में बताएं? JVP सीरीज गन का नाम है। अच्छा, इसका है जॉइंट वेंचर प्रोटेक्टिव कार्बाइन। दिस इज मेड बाय स्मॉल आर्म फैक्ट्री कानपुर। ये AWEL का एक यूनिट है जो कानपुर में है, वो बनाती है। इसका जो खासियत है, ये बुलपर डिजाइन से बनाया गया है, सेमी बुलपर डिजाइन। अब जैसे दूसरा गन पे देख रहे हैं ना, आजी आजी। जो ट्रिगर होता है वो मैगजीन से पीछे होता है, ऐसे जगह पे होता है, लेकिन इसमें जो मैगजीन है वो ट्रिगर से पीछे। इसके लिए क्या होता है, ये थोड़ा हैंडी हो गया, ठीक है। इसका शॉर्टर रेंज गन होता है और ये फायर मतलब खूब रैपिड फायर करने के लिए होता है। रेट ऑफ फायर बहुत ज़्यादा है। यदि अगर सिटी में कहीं आपका छिप गया जो दुष्कृति है, तो उसको आप इससे हायर रेट से फायर कर सकते। चाहे तो आप इसका ये जो बाट है, ये फोल्डेबल बाट है, ये निकल के ये एक्यूरेसी ज़्यादा के साथ भी आप कम कर सकते हैं। और इसका ये हो गया रेंज कितना है इसका? बता रहा हूँ मैं, इसका 100 से 150 रुपये का रेट है, शॉर्ट रेंज का लिए। और आप चाहें तो इसको एडजस्ट भी कर सकते हो, मतलब ये नहीं है कि आप कहीं भी छोड़ सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हो। ये सर सेल्स के लिए, ये सेल्स के लिए सारे 25 बींग ए सिविलियन, इसमें ओपन आर मीट फॉर सर्विस पर्सन, सर्विस इंडियन आर्मी, नेवी। टेलीस्कोप है, ये टेलीस्कोप है। और ये जो वेपन है, ये स्नाइपर, ये इंडिया में बनने वाली सबसे लॉन्गेस्ट रेंज का वेपन है। इसका रेंज है 1.5 किलोमीटर। अच्छा, ठीक है। इसका जो एमुनिशन साइज है वो है 8.6 मिलीमीटर इंटू 70 मिलीमीटर लेंथ। इसका बहुत सारे खासियत है, एक तो है टेलीस्कोप माउंटेड है, दूसरा है देखिए बाइपॉड पे खड़ा हुआ है। इसका जो बात है, इसका एम्बिडेक्स्ट्रस डिज़ाइन है, मतलब ये आप लेफ्ट हैंड से भी चला सकते हो। दिस इज द जिक्रेट्स्ट, ठीक है ना। आप इसके ऊपर रख के लेफ्ट हैंड से भी चला सकते हो, आप राइट हैंड से भी चला सकते हो, दो साइड से चला सकते हो। ऊपर इसको इनक्लोज करके रखा है, जिसका हीट इसके बॉडी पे नहीं है। मेड बाय राइफल फैक्ट्री ईशापुर, इट्स कॉल्ड ईशापुर असॉल्ट राइफल। इसका खासियत जो है, अभी इंडियन आर्मी को वो छोटा वाला एमुनिशन नहीं चाहिए, उनको बड़ा एमुनिशन चाहिए, जिससे कि शूट टू किल हो सके, एक गोली एक दुश्मन, ठीक है। तो इसके ऊपर देखिए, इसमें काफ़ी सारे फैसिलिटी दिए गए हैं। ऊपर पिकाटिनी रेल दिया गया है, नीचे भी पिकाटिनी रेल दिया गया है। ये अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर लगा सकते हैं, ग्रेनेड लॉन्चर। यहाँ पे आप टेलीस्कोप माउंट कर सकते हैं, दूसरा साइट माउंट कर सकते हैं, लेजर साइट माउंट कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी वो फोल्डेबल पार्ट फैसिलिटी के साथ आता है, जिसको भी आप उठा के ऐसे जो है ठीक है, हो गया, ये हैंडी हो गया। आप इसको इसके साथ भी कर सकते हैं, इसका भी कॉकिंग स्टाइल है, सेफ्टी मोड है। ये ऑटोमोड में लाया, ये कॉकिंग किया और ये
ये फाइव जो होते हैं ये है AK-47 का, आपने नाम सुना है? हाँ जी, हाँ जी। AK-47 का जो इंडियन वर्शन है इसका नाम दिया गया है 3G असॉल्ट राइफल। इसका भी दो खूबियां हैं, इसका भी देखिए ये बाट फोल्डेबल है, आप चाहे तो बाट फोल्ड कर सकते हैं। बाट फोल्ड करके मैं आपको दिखाता भी हूँ, इसका बाट फोल्ड का बाट फोल्ड ऑप्शन कहाँ गया इसको, इसका ये देखिए ये है साइट, ये है रियर साइट, ठीक है, और ये है फ्रंट साइट। ये त्रिची में बनाया जाता है, फोल्डेबल बट जो वर्शन है ये त्रिची में बनाया जाता है, ऑर्डर फैक्ट्री त्रिची, और इसका जो फिक्स बैट वर्शन है वो राइफल फैक्ट्री ईशापुर में बनाया जाता है। ठीक, कैलिबर ओपन, मतलब आपने इंसास का नाम सुना होगा, जो इंडियन आर्मी यूज करती थी, जिसको इंडियन आर्मी कारगिल युद्ध को जीता, उसका ही मॉडिफाइड वर्शन है, शॉर्टर वर्शन है और लाइटर वर्शन है। इसको हमने वेट कमा दिया है, इसका वेट घटा दिया है, और इसका फोल्डेबल बाट ऑप्शन के साथ ये भी आता है, इसका फोल्डेबल बाट का ऑप्शन है, और ये काफ़ी हैंडी है इसको लेके, हम इसका वेट भी कम है। इसका भी देखिए हमने इसको, अगर कौन सा मोड में है अभी, सेकंड मोड में, ये भी एक कार्रवाई है, आपको जो पहले दिखाया था वो भी कार्रवाई है, ये भी कार्रवाई है। फर्क इतना था है, उसका जो एम्यूनिशन है उसका साइज है 5.56x30, छोटा सा एम्यूनिशन है, और इसका जो एम्यूनिशन है 7.62x30। ये ऑर्डर तक की चीजें बनाती है, ये कार्बाइन है, फॉर शॉर्टर ऐसा वेपन को कहेंगे, इसको क्लोज क्वार्टर बैरल क्वार्टर बैटल कार्बाइन बोलते हैं, CQB कार्बाइन। अच्छा, ठीक है, और इसका जो एम्यूनिशन साइज है ये 3 कार्बाइन है, 1, 2, 3, सबका अलग अलग एम्यूनिशन साइज होता है, कैलिबर अलग अलग होती है। इसका जैसे 5.56x40, इसके ऊपर भी देखिए पिकाटिनी रेल है, ये क्या होता है, किसी भी चीज़ को माउंट करने के लिए होता है, मतलब अगर लेजर साइट बनाना है, उसको माउंट करना है या टेनिस को माउंट करना है। अच्छा, आपका LMG लाइट मशीन गन, लाइट मशीन, ये स्मॉल आर्म फैक्ट्री कानपुर बनाता है, ये वेल फेडेड होता है, यहाँ से सारे धड़ाधड़ फायर के लिए होता है, रैपिड फायर के लिए वेल फेड का ऑप्शन है, जैसे फायर होता है। और ये हो गया दूसरा हमारा स्नाइपर, जो 7.62x51 है, इसको काउंट है, और इसका 800 मीटर का रेंज है। ये हो गया हमारा AWS काउंट का डिटेल। थैंक यू सर। तो आपने ये देखे सारा सब बतलाए, इन्होंने किस तरीके से काम करती है, किस किस साइज के इसके गोलियां इस्तेमाल होती हैं, यही ना, ये आत्मनिर्भर भारत के तहत हमने यहाँ यहाँ कर रहे हैं, ये भारत सरकार का फ्लैगशिप एक कैंपेन है। अच्छा, यहाँ दिखाते हैं कि भारत आत्मनिर्भर है, भारत किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, इसलिए यहाँ पे यह प्रदर्शन दिखाया जा रहा है। ठीक, धन्यवाद। HAL helicopters have set a benchmark for the rotorcraft industry and have made India self-reliant in helicopters. Of the 3-6-ton class, HAL has a successful track record of building, overhauling, and indigenously developing helicopters for the Indian Defence Forces for over 5 decades. Advanced Light Helicopter Mark III Dhruv is a multi-role, multi-mission new generation helicopter in the 5.5-ton weight class, built to meet both military and civil needs. AMH Mark IV Vulture is the art variant of the advanced light helicopter, designed for self-defense and attack. Light combat helicopter Vrichang is a dedicated attack helicopter featuring tandem seats in a stealthy fuselage. Vrichang can engage both aerial and ground targets in all battle areas, from the desert to the mountains. The Light Utility Helicopter, LUH, is a 3-ton class helicopter catering to military and civil needs. The LUH is designed to operate in high altitudes with ease. It has been extensively tested in diverse environments,
to expand its flight envelope. The new Greenfield Helicopter Factory in Karnataka's Tumkur is set to become a one-stop shop for all helicopter requirements. As the principal supplier of aircraft and aero engines to the Indian Armed Services, HAL's expertise makes it the first choice for overhaul, upgrade, and life extension of legacy and contemporary aircraft. HAL supports and upgrades platforms which are nearly 60 years old in service with Indian Defence Forces. Midlife upgrades of Jaguar, Su-30 MKI, DO-228 and Mirage 2000 ensure a longer lifespan with contemporary features integrated. Su-30 MKI, the twin-engine fighter built under license at HAL, is the mainstay of the IAF fighter fleet. The Su-30 has been integrated with the 2.5-ton supersonic Brahmos cruise missile. Hawk Mark 132 is an excellent transonic trainer and ground attack aircraft. The platform has been upgraded with indigenous class cockpit and mission computer. HAL has ventured into designing gas turbine engines for aircraft. New indigenous developments include a 25 kilonewton thrust Hindustan turbofan engine, HTFE-25, to power military jets and trainers. The HTSE-1200 is under development with advanced features to power helicopters in challenging environments, taking Indra's dreams to ever greater heights. HAL's dedicated state-of-the-art aerospace division manufactures and integrates complex satellite launch vehicle structures for the country's space missions. HAL will produce powerful and advanced cryogenic and semi-cryogenic engines for future launch vehicles. HAL products are not limited to air and space domains. The Industrial and Marine Gas Turbine Division assembles and overhauls the GELM-2500 engines that power the Indian Navy's guided missile frigates and the flagship indigenous aircraft carrier, INS Vikram. HAL's commitment to long-term life cycle support has attracted customers from abroad. Aircraft like Dhruv, Lancer, Cheetah, Chetak, Chigo, and DO-228 have been exported to friendly countries. The Tejas fighter and HAL's helicopter range are generating considerable interest from countries around the world. HAL's unmatched range of products and services, coupled with long-term support, reflects an eight-decade legacy of excellence in aerospace and defense. Excellence in defense and aerospace. A nation's security lies in its defense preparedness. Hindustan Aeronautics Limited, HAL, the Fund of Forces, has been at the forefront of creating a defense. Namaskar dosto, aap dekh rahe the BCL News Expo Madan Bodh ke saath. Channel ko subscribe kare, video ko like kare, jyada se jyada share kare, ki jo cheeze hamare yahan pe ban rahi thi, manga rahe the, ab wo ban rahi hai. अब हम एक्सपोर्ट करने करेंगे आगे चल करके, और जो पानी के जहाज थे उनके इंजन भी डेवलप हुए हैं नए नए लेटेस्ट।